इसराइल और ईरान के बीच तनाव जारी है और इसी बीच अमेरिका ने इसराइल डिफेंस फोर्स की बटालियन नेतजा यहूदा पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। अमेरिका के इस कदम के बाद से ही इसराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू भड़क गए हैं। उन्होंने किसी भी प्रतिबंध को अस्वीकार करने की बात कही है। प्रधानमंत्री बेंजामिन ने 21 अप्रैल को कहा, मैं अपनी पूरी ताकत से इससे लड़ूंगा। इतना ही नहीं, उन्होंने अमेरिकी कार्रवाई को बेतुकेपन की पराकाष्ठा और नैतिक पतन बताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, इजरायली रक्षा बलों पर प्रतिबंध नहीं लगाए जाने चाहिए। हाल के हफ्तों में मैं इजरायली नागरिकों पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने की दिशा में काम कर रहा हूं, जिसमें वरिष्ठ अमेरिकी सरकारी अधिकारी भी शामिल है। ऐसे वक्त में जब हमारे जवान आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं और अमेरिका का इस तरह का एक्शन नैतिकता के खिलाफ है, हमारी सरकार इस तरह के कदमों के खिलाफ हर तरह से खड़ी रहेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ये फैसला वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के खिलाफ किए गए कथित मानवाधिकार उल्लंघन के चलते ले रहा है, जो इसी IDF बटालियन की ओर से किया गया था, यानी नेतजा यहूदा। अब क्या है ये पूरा मामला, क्यों अमेरिका की ओर से ये प्रतिबंध लगाया जा रहा है, क्या है ये बटालियन नेतजा यहूदा जिसमें कट्टरपंथी सैनिक शामिल हैं, और अगर इस फोर्स पर प्रतिबंध लगता है तो इससे इसराइल पर क्या असर पड़ेगा, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई? दरअसल पिछले ही हफ्ते अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से इससे जुड़ा सवाल पूछा गया था। उनसे पूछा गया कि क्या वेस्ट बैंक में मानव अधिकारों के हनन के जो आरोप इजरायली रक्षा बल पर लगे थे, उसके चलते क्या उनकी बटालियन के खिलाफ अमेरिका की तरफ से कोई सैन्य कटौती की जा सकती है। इस पर ब्लिंकन ने कहा, मैंने दृढ़ संकल्प किया है, आप आने वाले दिनों में ये देखने की उम्मीद कर सकते हैं। अब यहाँ पर यह बात भी अहम है कि अमेरिका इजरायल का सबसे प्रमुख सहयोगी है और आज तक अमेरिका ने किसी भी इजरायली डिफेंस फोर्स की मदद को बंद नहीं किया है। अब अमेरिका ने यह फैसला क्यों लिया, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। जनवरी 2022 में 80 वर्षीय फिलिस्तीनी अमेरिकी उमर असद को वेस्ट बैंक में तलाशी के दौरान इजरायली सैनिकों ने बांध दिया था, इससे उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद से ही इजरायली यूनिट को अमेरिकी आलोचना का सामना करना पड़ा था। फिलिस्तीनी ऑटोप्सी रिपोर्ट में यह कहा गया था कि 80 वर्षीय उमर असद को बाहरी हिंसा के कारण दिल का दौरा पड़ा। एक सैन्य जांच में यह भी सामने आया कि इजरायली सैनिकों ने मान लिया कि असद सो रहे थे जब उन्होंने उसके हाथों को बांधने वाले केबल को काट दिया। जब उन्होंने देखा कि असद कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो इसके बावजूद भी उन्होंने मेडिकल सेवाएं नहीं दी और इजरायली सैनिक वहां से चले भी गए। असद अमेरिका में कई दशकों से रह रहे थे और इसी के चलते अमेरिका ने इसे मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट्स का हनन बताया और इजरायल की निंदा भी की। अब ऐसा माना जा रहा है कि इसी पूरी घटना के चलते अमेरिका ने यह फैसला लिया है, यानी आरोप इजरायली बटालियन पर थे। इस बटालियन की स्थापना कैसे हुई थी, ये कैसे काम करती है, इसके बारे में भी आपको थोड़ा बता देते हैं। नेतजा यहूदा की स्थापना 1999 में की गई थी। ये एक खास यूनिट है जिसमें अति रूढ़िवादी यहूदी पुरुष सेवा देते हैं। इस बटालियन में ऐसे लोगों की भर्ती की जाती है जो अपनी मान्यताओं के साथ समझौता किए बिना सेना में काम कर सकते हैं। कहा जा सकता है कि एक धार्मिक टुकड़ी है जिसमें महिलाओं के साथ बात करने की भी परमिशन नहीं होती है। ये पैदल सैनिकों की एक टुकड़ी है और दिसंबर 2022 में इसे इसराइल ने इस यूनिट को वेस्ट बैंक से बाहर शिफ्ट कर दिया था। जब इस बटालियन की स्थापना हुई थी तब सिर्फ 30 सैनिक इसमें शामिल थे, लेकिन अब ये संख्या बढ़कर 1000 तक पहुंच गई है। नेतजा यहूदा यहूदी आहार से जुड़े कानूनों का सख्ती से पालन करते हैं। ये बटालियन इकाई हरेदी यहूदी पुरुषों को सैनिक के तौर पर सेना में सेवा करने की अनुमति देती है। लेकिन अमेरिका का ऐसे समय पर फैसला लेने से इजराइल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दरअसल रोक लगने के बाद से ही नेतजा यहूदी बटालियन अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, ना ही अमेरिकी सैनिक उन्हें किसी तरह की ट्रेनिंग देंगे। ये कार्रवाई लियाही कानून के मुताबिक की जाती है, जिसमें अगर कोई भी सैन्य टुकड़ी मानव अधिकारों का उल्लंघन करती है तो अमेरिका उसे हथियार या ट्रेनिंग देने से पीछे हट जाता है। तो यहाँ पर यह देखना दिलचस्प है कि एक तरफ अमेरिका इजराइल का साथ भी दे रहा है और दूसरी तरफ उनके बटालियन पर प्रतिबंध भी लगा रहा है। बहरहाल, आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।